Hi kids. Hi sir. How are you? I'm fine, thank you. आज देखो आज हमने ये पजल्स करनी है ठीक है। चलो एक बच्चा पढ़ो इसको, क्या पजल है ये? मैंने चार टॉफी अपने चार दोस्तों में बांट दी और तीन टॉफी फिर भी बच गई। कुल कितना कितनी टॉफी मेरे पास थी? समझ में आया कुछ? Yes, sir. क्या समझ में आया? मैंने चार चार टॉफी अपने चार दोस्तों में बांट दी तो कुल कितनी बट गई? चार 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 दोस्तों में सोलह और तीन टॉफी फिर भी बच गई तो कितनी रही? उन्नीस। तीन पाँच और सात अंकों को मिलाकर तुम कितनी संख्याएं बना सकते हो? ठीक है, जैसे उन्होंने तीन पाँच सात से मिलाकर दो बना रखे हैं, ये 357 और 537। वैसे और क्या बन सकती है? बनाओ 735 375 375 753 वेरी गुड। अब देखो तीन से दो बननी थी, तीन 557 नहीं बन सकती, 537 बन चुकी है ना। हाँ एक पाँच वाली एक और बनेगी, क्या बनेगी अब? 537 तो बन चुकी है। 375 एक संख्या दो बार यूज नहीं करनी ना। वैसे तो अगर यूज अगर एक संख्या अगर एक ही बार यूज करनी होती तब तो 333 भी बन सकती है, 555 बन सकती है, 777 बन सकती है ठीक है। लेकिन एक संख्या एक ही बार यूज करनी है ठीक है। एक संख्या में आठ जोड़ दिया जाए तो वह दुगनी हो जाती है। तो जोड़ो चार तो वह दुगनी हो जाती है, तो वह संख्या क्या होगी? 16। कितनी? 16। ऐसी संख्या सोचिए जो दो तीन और पाँच से भाग हो जाए और 25 और 50 के बीच हो। 25 और 50 के बीच? हाँ, मतलब 30। कितना? 30। कैसे किया? इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 2, 3 और 5 तो कितना हो गया? 2, 3 6 6 5 30। अब ध्यान से सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बच्चा पढ़ो चलो इसे। एक छोटी चींटी 3 सेंटीमीटर 1 मिनट में चढ़ती है और 2 सेंटीमीटर नीचे फिसल जाती है, उसे 2 सेंटीमीटर चढ़ने में कितना समय लगेगा? एक चींटी है वो 3 सेंटीमीटर चढ़ती है 1 मिनट में ठीक है। कितनी चढ़ती है वो 1 मिनट में? 3 सेंटीमीटर।